अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं हूँ लंदन में और ये है जी एक्सेल लंदन। एक्सेल लंदन जो है वो एक फेमस पॉइंट है, लंदन का बिजनेस सेंटर है जहाँ पे एग्जीबिशंस और फेयर्स होते रहते हैं। तो इसके बिल्कुल सामने एमिरेट्स केबल कार है। तो आज का कुछ प्लान इस तरह का है कि हम एमिरेट्स केबल कार से जाएंगे O2 अरीना और मैं आपको आज O2 अरीना का विज़िट करवाऊँगी। अच्छा जी, ये टूर तो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो ये पूरा टूर देखने से पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, ये जो है ये एक्सेल लंदन से जब हम स्ट्रेट आते हैं तो स्ट्रेट आने के बाद जो है बिल्कुल सामने आपको एमिरेट्स केबल कार नज़र आ जाएगी। तो वहाँ से अब हम लेंगे टिकट्स बाय करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे केबल कार की तरफ। तो अगर आपका कोई भी फैमिली रिलेटिव या फ्रेंड्स आपके आते हैं लंदन विज़िट करने के लिए तो आप उनके लिए डे प्लान कर सकते हैं। तो उसमें आप सबसे पहले मैं आपको यही गाइड करूँगी कि सबसे पहले आप एमिरेट्स केबल कार लें, उससे आप जाएं O2 अरीना और O2 अरीना पूरा विज़िट करें। तो यहाँ पे हमने टिकट ले ली थी, अब हम जा रहे हैं केबल कार्स की तरफ और यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्यू थी और ये जो है क्यू काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन वन बाय वन जो है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता बैठा सकते हैं। और इसमें ये भी नहीं है कि आप एक ही केबल में सब लोग बैठ जाएं जैसे पाकिस्तान में होता है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो आप पूरा एक बंदा भी एक केबल में बैठ सकता है। तो ये जा रही थी रिवर थेम्स को क्रॉस करते हुए O2 अरीना की तरफ। ये जो केबल कार है नॉर्मली बहुत स्लो चलती है और ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में आपको O2 अरीना की तरफ उतारती है, लेकिन आज रश की वजह से ये जो है हार्डली इन्होंने 10 मिनट्स में हमें वहाँ पे जो है ड्रॉप कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्पीड से जा रही है। और अगर आप इसको जो है वो प्लान करना चाहते हैं अपने टूर का तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो है वो समर में प्लान करें, क्योंकि समर में ज़्यादा मज़ा आता है इसको इन्जॉय करने का। जी तो व्यूअर्स, इसकी जो टिकट प्राइस है वो वन साइड की £4 है ऑलमोस्ट। और अगर आप फैमिली पैक लेते हैं जिसमें 4 एडल्ट्स होते हैं और बच्चे होते हैं वो £25 में आपको मिल जाता है। जी तो व्यूअर्स, वेदर अच्छे होने की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है ये जगह। अब हम जा रहे हैं वॉक करके O2 अरीना की तरफ और O2 अरीना के जो बाहर जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है व्यूज़ नज़र आते हैं, वहाँ पे भी आप पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं और यहाँ पे आपको टेस्को और दूसरी शॉप्स भी मिल जाएंगी और यहाँ पे सबवे भी है जो कि हलाल है। जी तो वेयर्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा हमने कहा कि मंचिंग कर लेते हैं क्योंकि आगे जो है हमने पूरा विज़िट करना है। ऑप्शन अंदर भी है हलाल फूड्स की, लेकिन ये जो सबवे है ये हलाल है तो हमने सोचा कि यहाँ से सबवे सैंडविच ले लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, O2 अरीना बेसिकली कॉन्सर्ट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे काफ़ी कॉन्सर्ट्स होते हैं और यहाँ पे सिनेमाज़ भी हैं और अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स है, पूरा मॉल बना हुआ है और रेस्टोरेंट्स भी हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपको ऊपर से नज़र आ रहा है यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लाइम करते हैं और ऊपर तक भी जाते हैं। ये एक इन्होंने एक जो है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाई हुई है। इसके बाहर आपको कोस्टा कॉफ़ी और कॉफ़ी शॉप्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे और काफ़ी जो है बिजी प्लेस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए काफ़ी लोग विज़िट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं यहाँ पर आकर। अच्छा जी, अब हम एंटर हो चुके हैं O2 अरीना में और ये आप देख सकते हैं कि इसका जो व्यू है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और इसके जो है राइट साइड पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वो एक लंबी वॉक है रेस्टोरेंट्स की तरफ और इधर स्टेयर्स की लेफ्ट साइड पे जो ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं वो पूरा मॉल है। तो अभी एंटर होते साथ ही मैं जाऊंगी राइट साइड की तरफ, मैं आपको रेस्टोरेंट्स का विज़िट करवाऊंगी और उसके बाद फिर हम मॉल की साइड पर चलते हैं।
जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपको काफ़ी जो है वो रेस्टोरेंट्स नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बन भी चुके हैं। ये जो जिमिस है यहाँ पे जो है वो हाइटी आपको मिल जाती है और ये हलाल रेस्टोरेंट है, आप आ सकते हैं यहाँ पर। मैंने खुद भी ट्राई की हुई है, काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी रीज़नेबल भी होती है, और अगर आप फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पिज़्ज़ा एक्सप्रेस की, फ़िश की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। यहीं पे ऊपर जो है वो सिनेमा भी है, सिनी वर्ल्ड है, और यहाँ पे भी काफ़ी लोग विज़िट करते हैं मूवीज़ के लिए। जी तो व्यूअर्स, ये पूरी लेन जो मैंने आपको दिखाई है, ये रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा और कॉफ़ी शॉप से भरी हुई है। यहाँ पे लोग विज़िट करते हैं और काफ़ी बिज़ी जो है वो लेन है। अब मैं जा रही हूँ उस साइड पे जहाँ पे जो है वो शॉप्स हैं, तो इधर से ही वॉक थ्रू करके मैं डिज़ाइनर सारी शॉप्स हैं वहाँ पे, और मैं अब आपको वो भी दिखाती हूँ कि वहाँ पे आप आ सकते हैं और देख सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब मैं आ चुकी हूँ मेन पे, और मेन पे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जा रही हूँ, ये स्टेयर्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये भी काफ़ी अच्छा व्यू है पिक्चर्स लेने के लिए। यहाँ पे जो स्टेयर्स के मिड में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्लोरल डेकोर किया होता है, वहाँ पे भी आप पिक्चर्स ले सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और या ये जो ये वाला फ्लोर है ये सारा जो है वो शॉप्स से भरा हुआ है। तो चलें चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी शॉप्स हैं। अच्छा जी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर शॉप्स हैं, कुछ डिज़ाइनर आउटलेट्स भी हैं जहाँ पे आपको डिस्काउंट में भी चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली डिस्काउंट लगा रहता है।
तो बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर शॉप्स हैं, तो ये काफ़ी ये जो है वो एक्सपेंसिव भी हैं लेकिन कुछ रीज़नेबल भी आपको मिल जाती हैं। तो हम वॉक थ्रू कर रहे थे और हम देख रहे थे कि कौन कौन सी शॉप्स हैं और कैसी हैं। जी तो व्यूअर्स, ये सारा था डिज़ाइनर शॉप्स का एरिया। यहाँ पे एक ऊपर ही जो है वो बीबीसी का ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ है, जो कि डमी ऑफिस है। वहाँ पे जाके आप पिक्चर्स ले सकते हैं, वहाँ पे वैसे ही अपनी कोई वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद किया हुआ था। तो मुझे कभी मौका मिला, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। अभी हम जा रहे थे नीचे, तो ये था जी ओवरऑल O2 अरीना का विज़िट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें, एंजॉय करते रहें, और मैं अब आऊँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।